नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर स्पीकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट किए जाए। भाषा में ये सुविधा होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में, अर्थात शब्दों में बोलकर लिखकर विचार व्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में आधिकारिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या वाक्य समूह के लिए एक शब्द विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता एवं सुंदरता आ जाती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे है हाथी हाँकने का छोटा भाला, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं अंकुश। अंकुश मतलब हाथी हाँकने का छोटा भाला, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। जिसे समान न किया जा सके उसको बोलते हैं असमीय। जिसे समान न किया जा सके उसे बोलते हैं असमीय। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या बोलते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु न हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जो जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय। जो जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। जो दिखाई न पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य। जो दिखाई न पड़े उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। जिसके सम्मान कोई न हो उसको बोलते हैं आदित्य। जिसके सम्मान कोई न हो उसको बोलते हैं आदित्य। हृदय की बात जानने वाला उसको बोलते हैं अंतर गामी। हृदय की बात जाने वाले क्या बोलते हैं? अंतर्गामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रहों और तारों का स्थान उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। दोपहर बाद का समय उसको बोलते हैं अपराह्न। दोपहर बाद का समय उसको क्या बोलते हैं? अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अपवाद। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोपी हो, अभियुक्त, अभियोग लगाया गया उसको बोलते हैं अभियुक्त। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। फेंक कर चले जाने वाला हथियार, फेंक कर चले जाने वाला हथियार उसको बोलते हैं अस्त्र। फेंक कर चले जाने वाला हथियार क्या बोलते हैं? अस्त्र। जिसकी गिनती न हो सके उसको बोलते हैं अनगिनत। जिसकी गिनती न हो सके अगणित या अगणनीय। जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसको बोलते हैं अपठित। जो पहले पढ़ा हुआ न हो उसको बोलते हैं अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको बोलते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको बोलते हैं अतिथि। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र उसको बोलते हैं अधो वस्त्र। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र होता है उसको बोलते हैं अधो वस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो उसको बोलते हैं अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन अनिर्वचनीय। अगला है अत्यधिक बड़ा चढ़ा कर कही गई बात उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अत्यधिक बड़ा चढ़ा कर कही बात उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रणी। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसको बोलते हैं अग्रज। जो पहले जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। जो बाद में जन्मा हो उसको बोलते हैं अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अघोषर। क्या बोलते हैं? अघोषर। जिसका पता न हो, जिसका पता न हो, जिसका पता न हो उसको बोलते हैं अज्ञात। आगे आने वाला उसको बोलते हैं आगामी। आगे आने वाला क्या बोलते हैं? आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। अगला है जो सुनने योग्य न हो उसको बोलते हैं अशूत। जो सुनने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? अशूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसको क्या बोलते हैं? अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसको बोलते हैं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के जो सार्थक शब्द है, जो उसके बारे में हमने पढ़ा था।